बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की साल 2023 में दो फिल्में किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली हैं। फैंस अपने पसंदीदा स्टार की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीते साल 2022 में सलमान खान की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। इसी बीच सलमान खान की एक और फिल्म पवन पुत्र भाई जान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गौरतलब है कि फिल्म पवन पुत्र भाई जान सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाई जान का सीक्वल है। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं लेटेस्ट अपडेट इस फिल्म को लेकर। दरअसल सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म बजरंगी भाई जान साल 2015 में रिलीज हुई थी और इसे लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद से लोग फिल्म बजरंगी भाई जान के सीक्वल का भी इंतजार कर रहे थे। जब फिल्म बजरंगी भाई जान के सीक्वल पवन पुत्र भाई जान को लेकर जानकारी सामने आई थी, तब फैंस काफी खुश थे। अब फिल्म पवन पुत्र भाई जान पर नया अपडेट आ गया है। दरअसल रिपोर्ट्स की मानो तो फिल्म पवन पुत्र भाई जान में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं। जी हाँ, दरअसल इस फिल्म के सीक्वल में जो मेन एक्ट्रेस हैं उन्हें रिप्लेस करने की बात चल रही है और उनकी जगह यानी कि करीना कपूर को रिप्लेस करती हुई नजर आएंगी नन अदर देन पूजा हेगड़े। फिल्म पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े वही किरदार निभाएंगी जो फिल्म बजरंगी भाईजान में करीना कपूर ने निभाया था, जिसकी जानकारी अब सामने आ रही है। गौरतलब है कि फिल्म बजरंगी भाईजान में मूक पाकिस्तानी लड़की यानी मुन्नी की कहानी दिखाई गई थी। वह अपनी माँ के साथ भारत आती है और उनसे अलग हो जाती है। इसके बाद बजरंगी भाईजान यानी कि सलमान खान मुन्नी से मिलते हैं और इसे पाकिस्तान में उसकी माँ से मिलाने का मिशन बनाते हैं। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब की भूमिका निभाई थी। फिल्म बजरंगी भाईजान को देखने के बाद लोग काफी ज्यादा इमोशनल नजर आए थे। वेल, आप देखने वाली बात होगी कि आखिर कैसा होगा बजरंगी भाईजान का सीक्वल। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं और साथ ही आप कितने एक्साइटेड हैं करीना कपूर की जगह इस फिल्म में पूजा हेगड़े को देखने के लिए? आप कितने खुश हैं या फिर ना खुश हैं? ये न्यूज आपके लिए गुड न्यूज रही या बैड न्यूज, अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें।